नमस्ते मैडम। नमस्ते बच्चों। बच्चों आज हम वसंत भाग तीन में सम्मिलित कविता दीवानों की हस्ती पर बात करने जा रहे हैं। दीवानों की हस्ती जो है भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित कविता है। इस कविता में कवि ने उन वीरों की मनोदशा को दर्शाया है जो भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए यानी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों तक को बलिदान कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वीर सैनिक किस प्रकार खुशी खुशी से देश के लिए अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार हैं और साथ ही वे हर ओर यानी देश के चारों ओर मस्ती के आलम को बनाए रखना चाहते हैं, प्रेम को फैलाना चाहते हैं इस संदेश के साथ कि वे समाज में समरसता का भाव फैलाना चाहते हैं। तो बच्चों आज हम दीवानों की हस्ती के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कवि का परिचय देना चाहती हूँ। भगवती चरण वर्मा हिंदी साहित्य के जाने माने रचनाकार हैं। इन्होंने प्रेम, हास्य और राष्ट्रीय चेतना से युक्त रचनाएं की हैं जहाँ पर उन्होंने समाज में फैली विषमताओं को उजागर किया है। ऐसे महान रचनाकार का जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन्होंने अपनी बीए और एलएलबी की उपाधि इलाहाबाद से प्राप्त की। वर्मा जी सिर्फ काव्य रचना ही नहीं बल्कि साहित्य के अन्य विधाओं में भी उन्होंने रचनाएं की हैं। उनके कुछ प्रमुख संग्रहों के नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ। उनके काव्य संग्रह हैं मधुकर्ण, प्रेम संगीत। उनके कहानी संग्रह हैं दो बांके, इंस्टॉलमेंट। और वर्मा जी ने कई प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की है और जिनके नाम हैं चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सभी नचावत राम गोसाई, आखिरी दाव। वर्मा जी ने दो नाटकों की रचना भी की है, वसीयत और रुपया तुम्हें खा गया। भगवती चरण वर्मा साहित्य से ही नहीं बल्कि आकाशवाणी और फिल्म जगत से भी वे जुड़े रहे थे। उनकी मृत्यु सन 1981 में हुई। तो आज हम उनकी कविता दीवानों की हस्ती के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों दीवानों की हस्ती कविता जो है जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि स्वाधीनता से पूर्व ये कविता उन्होंने लिखी थी, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने दीवानी शब्द का जो प्रयोग है वो उन वीरों के लिए किया है जो वीर अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए भी तैयार हैं, यानी उन्हें अपना देश ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने इस कविता में उन वीरों की मनोदशा को दर्शाने का प्रयास किया है। तो चलिए आज हम इस कविता में किन किन बातों को उठाया गया है उसके बारे में जानते हैं। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी कवि यहाँ पर कहते हैं सैनिक जो है खुद को दीवाना कह रहे हैं क्योंकि उनके सिर पर देश को आज़ाद करने का जो दीवानापन है वो छाया हुआ है। वे देश को अंग्रेज़ों से मुक्त करना चाहते हैं, स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि हमारा यहाँ पर कोई अस्तित्व ही नहीं है। देश के अस्तित्व के सामने, देश की महानता के सामने हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। उनके लिए सर्वप्रमुख सिर्फ अपना देश है, अपना राष्ट्र है। इसीलिए वे कहते हैं कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम आज हैं, कल कहीं और रहेंगे, लेकिन हमेशा अपने मन में प्रेम और उल्लास को फैलाने का प्रयास हम करते जाएंगे, ठीक है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। देखिए यहाँ पर इस बात को उठाया गया है जब सैनिक अपने परिवारजनों से मिलने आते हैं, जैसे साल में एक बार या जब भी उन्हें आने का अवसर प्राप्त होता है तो अपनों से, अपने रिश्तेदारों से वो मिलने आते हैं। जैसे ही वे लोग आते हैं तो
तो उनके सारे रिश्तेदार और परिवारजन जो हैं वो मतलब उनके चेहरों पर खुशी छा जाती है। जैसे मान लीजिएगा आप अपनों से जो अपने रिश्तेदार हैं जो दूर रहते हैं आपसे और साल में एक आध बार जब आप उनसे मिलने जाते हो तो किस प्रकार की खुशी उनके चेहरों पर छाई रहती है, है ना। जैसे कि मतलब जैसे ही आप लोगों के जाते ही आपको देखते ही वो खुशी से झूमते हैं। उसी प्रकार का माहौल जब सैनिक अपने परिवारजनों से मिलने आते हैं तब उनके घरों में छाया रहता है। लेकिन तुरंत दूसरे ही क्षण जब उनका कर्तव्य के लिए बुलावा आता है और वो फिर से अपने कर्तव्य को ओर निकल पड़ते हैं तब उन्हीं चेहरों पर उदासी छा जाती है। और वो ऐसे ही पूछते हैं, अरे आप तो अभी अभी आए थे और अभी जा रहे हो। मतलब उनका मन ही नहीं भर पाता है अपनों से मिलते समय। लेकिन सैनिक जो हैं उनके लिए उनका कर्तव्य ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए वे अपने कर्तव्य को ही प्रमुख मानते हुए बस यही एक उम्मीद को, एक उल्लास को उनके अपने परिवारजनों के मन में छोड़ते हुए जाते हैं कि आप सदा हमारे बाद भी यहाँ खुश रहिएगा। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि ये कहते हैं कि सैनिक जो हैं वो यही कहते हैं कि जीवन को सार्थक बनाने की राह पर जब हम चलने जा रहे हैं, हम अपने जीवन की राह पर जब चलते हैं तो किस ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि सैनिक वही सोचते हैं कि उनके लिए प्रमुख प्राथमिकता है अपना देश, अपना कर्तव्य। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, ये मत पूछो, हमें बस चलना है, अपने कर्तव्य को पूरा करना है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। मतलब सैनिक जो वीर योद्धा हैं, जो वीर युवा हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी कुछ भावनाओं को अपने परिवारजनों से और इस संसार को व्यक्त करते हुए जा रहे हैं और उनके कुछ विचारों को हम लेते हुए जा रहे हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। वीर योद्धा ये कहते हैं कि हम अपनों से जब मिलते हैं तो कुछ अपनी सुनाते हैं, अपने विचारों को, अपनी खुशी के क्षणों को, अपने दुख को अभिव्यक्त करते हैं और कुछ हमने उनकी भी सुन ली। मतलब हमने कुछ बातें अपनों की सुन ली और अपने मन के विचार भी उनके सामने हमने व्यक्त कर दिया। और इसमें सुख और दुख दोनों मिले हुए हैं, कुछ हंसे और कुछ रोए। यानी यहाँ पर हमने सिर्फ सुख या खुशी के क्षणों को ही नहीं बताया है बल्कि सुख और दुख दोनों को भी हमने अभिव्यक्त किया है। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि यह संदेश देना चाहता है कि मनुष्य को अपने जीवन में कोई भी दुख क्यों ना आए, उसे कमज़ोर नहीं होना चाहिए, वह डटकर उसका सामना करना चाहिए और उदास बनकर रहने से अच्छा है कि आप अपनी उन समस्याओं को, अपने उन दुखों को भूलकर जीवन में आगे बढ़े। और सुख और दुख, ये जो दो बातें हैं ना बच्चों, ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों एक समान ही आते जाते रहते हैं और हमें सिर्फ सुख में खुश होना या दुख में दुखी होकर बैठना नहीं चाहिए। सुख में खुशी होना ये बात सही है, लेकिन दुख जब आता है तो उस दुख को भी हमें भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए और दोनों को समान रूप से अपनाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो भिकमंगों की तरह है। यहाँ पर उस स्वार्थ भरे दुनिया का चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, मतलब कवि कहते हैं कि सैनिक जो है
ये कहना चाहते हैं, यानी वीर सैनिक, क्योंकि उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ रूप से अपने कर्तव्य को निभाना चाहते हैं, अपने कर्तव्य की राह पर वो चल रहे हैं, इसीलिए तो उन्होंने यहाँ पर उन वीरों की ही उन वीरों की ही बलिदान की गाथा सुनाई है। सर कवि ये कहते हैं कि हम इस भिकमंगों की दुनिया में कुछ देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है तो ना सही, लेकिन कम से कम हम स्वच्छंद मन से प्रेम को चारों ओर फैलाते जाएं। कम से कम हम इतना तो कर सकें इस दुनिया में कि चारों ओर प्रेम, स्नेह, सहभाव और अपनापन चारों ओर फैला रहे। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, मतलब हमारे हृदय पर, उर यानी हृदय, तो हम अपने हृदय पर एक ऐसी निशानी लेकर जा रहे हैं जो असफलता के भार से युक्त है। कैसी असफलता? देश को स्वतंत्र ना कर पाने की असफलता, क्योंकि वो बलिदानी वीर योद्धा जो है वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ दी है, हमने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया है, लेकिन बाकी जो देशवासी हैं उनके लिए संदेश दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और देश प्रेम को हमारे मन में रखते हुए इस देश को स्वतंत्र बनाने की ओर आप आगे बढ़ो। तो यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि हमें सहभाव और स्नेह, प्रेम को हमारे मन में लेकर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यानी यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि वीर सैनिक जो हैं वे देश के लिए लड़ते समय कोई भी अपने पराये का भाव नहीं रखते हैं, ना कोई जाति या धर्म को सोचते हुए वे अपने देश के लिए बलिदान नहीं देते हैं। उनके लिए सिर्फ देश यानी उनकी माँ के समान है, मातृभूमि है, राष्ट्रभूमि है, तो देश के लिए बलिदान देते समय वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि वे अपने देश के लिए शहीद हुए और उनके मन पर, उनके हृदय पर ये गर्व महसूस हो कि उन्होंने अपने देश के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया है। लेकिन उस बलिदान में भी वे स्वार्थ को कभी आने नहीं देना चाहते हैं और ना अपने पराये के इस भेदभाव को वो अपने मन में रखना चाहते हैं। और यही संदेश कवि दे रहे हैं कि हर मनुष्य को अपने और पराये का ये जो भेदभाव है ना, इसे दूर करते हुए साथ में स्नेह से, प्रेम से रहने का प्रयास करना चाहिए। ये जो है ये प्रेम हमेशा सबके अंदर इस तरह से होना चाहिए कि सब लोग एक दूसरे का साथ निभाते जाए, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे और इनमें सहकार, सहभाव की भावना हमेशा बनी रहे। वे कह रहे हैं कि हम स्वयं बंधे थे, मतलब हम इस कर्तव्य में स्वयं अपनी इच्छा से बंधे हैं और हम स्वयं हम अपने बंधन तोड़ते जा रहे हैं। बंधन तोड़ना मतलब इनके लिए प्राथमिकता देश थी और देश के लिए अगर हम बलिदान दे भी रहे हैं तो अपनी स्वयं इच्छा से हम लोग बलिदान दे रहे हैं। इसमें ना कोई स्वार्थ है और ना कोई मतलब दुराशा है और हम स्वयं अपने मन से अपने कर्तव्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और यही चाहते हैं कि उनके बाद जब उन्होंने बलिदान दे दिया है तो जो लोग हैं, जो देशवासी हैं, वो खुश रहे, आबाद रहे। आबाद रहने का मतलब ये है कि वो हमेशा स्वतंत्र होकर खुशी से प्रेम को चारों ओर फैलाते हुए उल्लास भरे क्षणों को चारों ओर वहाँ फैलाते रहे, इस देश में सहभाव और मानवीय मूल्यों को बनाए रखे, यही कवि की कामना रही है। तो बच्चों, इस कविता में हम देखते हैं जिस प्रकार कवि ने दीवानों की हस्ती शीर्षक देते हुए सिर्फ वीर सैनिकों की बलिदान की गाथा ही नहीं गाई है, ये कविता जो है ये उन वीरों के बलिदान को दर्शाते हुए ये संदेश देती है कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करने की ठान लेनी चाहिए, हमें हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब हमने मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया है
तो हमें अपने समाज के लिए भी कुछ करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, कुछ कर्तव्य होते हैं जो कि हम समाज के लिए कर पाएँ। और यही सोच जो है कवि हर एक व्यक्ति में होने की कामना करते हैं और मनुष्य को ये संदेश देते हैं कि स्वाधीनता पूर्व देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए वीरों ने अपने प्राणों को त्याग दिया, और आज भी हमें अपने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और इस प्रकार वे कहते हैं कि प्रेम और उल्लास का वातावरण छाया रहे और हमेशा लोग जो हैं आपस में मिलजुल कर रहें, मन में जो भी भेदभाव है उसे दूर करते हुए मानवीयता को चारों ओर फैलाते हुए, मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हुए हम आगे बढ़ते रहें। कविता जो है सरल भाषा में लिखी गई है, जहाँ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, और जहाँ आप देखते हो कहीं कहीं प्रश्नात्मक शैली का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है, जैसे किस ओर चले, है ना, किस ओर चले, और अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। इन पंक्तियों में आप देखते हो प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, जो कि वस्तु स्थिति को दर्शाता है, और साथ ही कवि ने एक गेयता और एक प्रासबद्ध शैली को अपनाते हुए इस कविता की सार्थकता को यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो बच्चों अब आप एक के बाद एक कविता पढ़िए, ठीक है। लक्ष्मी तुम सबसे पहले पढ़ो। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। चलो अब तुम पढ़ो तृप्ति। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। ठीक है, शाबाश। स्प्रिहा तुम पढ़ो। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चखकर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। गुड। चलो भुवनेश तुम पढ़ो। हम भिकमंगों के दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का बार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो बच्चों अब मैं इस कविता के संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी, ठीक है। तो बताइए इस कविता के कवि का नाम क्या है। हाँ बोलो लक्ष्मी। इस कविता के कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। गुड। कवि ने दीवाने शब्द का प्रयोग इस कविता में किस लिए किया है, बताओ स्प्रिया। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के लिए कवि ने दीवाने शब्द का प्रयोग किया है। शाबाश। तो बताइए वीरों पर कौन से असफलता के निशान दिखाई देते हैं। वीरों के हृदय पर स्वतंत्रता प्राप्त ना करने के निशान दिखाई देते हैं। कवि ने इस दुनिया को भिकमंगा क्यों कहा है। हाँ बताओ। दुनिया में संसार के पास देने के लिए कुछ नहीं है, वह सिर्फ लेना ही जानते हैं, इसीलिए कवि ने दुनिया को भिकमंगा कहा है। तो बच्चों आज हमने दीवानों की हस्ती कविता के बारे में जान लिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो हम अगली कक्षा में इस पर और चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।